रायगढ़ रत्नदीप सोसाइटी में सरकार पीने का पानी देने के नाम पर लोगों के साथ में काफ़ी बुरा मजाक कर रही है। आप लोग देख सकते हैं कि लोग कितने मुश्किल से और कितने कम प्रेशर में पानी भर रहे हैं। तो हमारे इधर 15 साल से पानी की समस्या है और हम लोग बहुत बार एनवाड़ जाके थक गए। लेडीज़ गई, औरत लोग गए, आदमी लोग गए, मगर कुछ मतलब उसका हल नहीं निकल रहा है उस समस्या का। और बार बार हमको बोलते हैं हाँ करेंगे करेंगे करेंगे, आश्वासन दे रहे, उस आश्वासन का थोड़ा तो फायदा होना चाहिए। पाणी कमी असल्यामुळे मी पण माझ्या मुलीला पाण्याची थोडी मदत करू लागत होते आणि पाणी भरता भरता हातात बादली घेऊन आले आणि पाय घसरून पडले तर एकदम माझा हात व्यक्त झाला। तर माझ्या हाताला जवळजवळ 20,000 रुपये खर्च झाला। माझं कामाची बुडणूक मी काम करते, कामाची बुडणूक करून आता तीन हफ्ते झाले मी घरामध्ये आहे। आता मी करायचं काय, कोण काम करणार आहे त्याच्या घरामध्ये? काम मी कुठून करणार? आता मला तर अजून 2 महिने आता माझं प्लास्टर कधी निघणार आणि मी कधी कामाला जाणार? पाणी व्यवस्थित आलं, टाईम वाढला, हां पाण्याचं प्रेशर वाढलं तर थोडी आमची समस्या थोडी कमी होईल आणि जरा बरं वाटेल आम्हाला। आम्हालाच पारक साईडलाच पाणी नाही का रायगड रत्नदीप सोसायटीमध्ये, बाकी सगळ्या एरियामध्ये पाणी 2-2 घंटे पाणी, पण आमच्या एरियामध्ये 1.5 घंटा पाणी येत आहे। पाण्यामध्ये दिवसातून 2 टाइम पाणी येत, मग आम्हाला 1 तास आम्हालाच पाणी नको का? एक दिन के बाद पाणी येत आहे, वो भी एक एक नल पे 4-4 5-5 लोग है, पानी भी होता नहीं है और पानी एक घंटा पानी आ जाता है। पानी दबे से मग से इस तरह पानी भरना पड़ता। इस वीडियो के माध्यम से मैं ये चाहती हूँ कि यहाँ के लोगों को पीने का पानी का प्रेशर बढ़ा के दिया जाए ताकि लोगों को आसानी से पानी मिल सके और लोगों की समस्या हल हो जाए। इनका नंबर है 9324784092। विक्रोली रायगढ़ मुंबई से मैं जुलेखा सैयद, इंडिया अनहर्ड के लिए।